हाइक मैसेंजर इंडिया का ओनली डेवलप्ड सोशल मीडिया ऐप जो कि स्टार्ट किया था केविन भारती मित्तल ने। नाम काफी सुना सुना सा होगा क्योंकि वो खुद बेटे हैं सुनील भारती मित्तल के जो कि ओन करते हैं एयरटेल कंपनी को। सुनील भारती मित्तल जो कि एयरटेल ग्रुप के फाउंडर और सीईओ हैं और कहा जाए तो खुद अपने में काफी बड़ी हस्ती हैं। 2012 में हाइक एक सुपर ऐप की तरह लॉन्च हुआ जिसमें क्रिकेट स्कोर्स, गेम्स, स्टिकर्स और काफी सारे नए फीचर्स थे। पर इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में हाइक फेल हो गया और 2021 में ऐप परमानेंटली शट डाउन कर दी गई। 2010 से 15 एक ऐसा समय था जब सोशल मीडिया ऐप्स यानी कि व्हाट्सएप और हाइक जैसे काफी सारे नए नए सोशल मीडिया ऐप्स अपना एक स्पेस क्रिएट कर रहे थे मार्केट में और स्लोली स्लोली कस्टमर्स भी ऐड हो रहे थे। पर उस टाइम एक प्रॉब्लम थी, उसको यूज करने वाली ऑडियंस की कमी। लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी और इन्हीं रीजंस के चलते हाइक को भी ग्रो होने में काफी दिक्कत हो रही थी। बट दूसरी तरफ हाइक के मुकाबले लोगों ने व्हाट्सएप को प्रेफर किया और उसका एक सिंपल सा रीजन था इजी टू यूज होना। आप आसानी से मैसेजेस भेज सकते थे, फोटोज वीडियो शेयर कर सकते थे, बस कॉलिंग फीचर नहीं था। दूसरा रीजन जो लोगों ने व्हाट्सएप को चूज करने का रखा वो था व्हाट्सएप का लो डेटा को यूज करना। उस टाइम में व्हाट्सएप केबीज में डेटा यूज करता था और एक्चुअली में कहा जाए तो ना के बराबर। लोग 2G की स्पीड पर ही व्हाट्सएप बहुत आसानी से यूज कर लेते थे और वहीं हाइक शुरुआत से एक सुपर ऐप थी जहां पे आपको यूज करने के लिए काफी सारे डेटा की जरूरत होती थी क्योंकि आपके पास क्रिकेट स्कोर्स भी थे, स्टिकर्स भी थे, कॉलिंग फीचर्स भी थे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आसानी से हम लोग लो डेटा में नहीं कर सकते थे। उस टाइम डेटा की कॉस्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा थी और इतना सब कुछ यूज करने के लिए हमारे को काफी ज्यादा डेटा चाहिए था तो लोगों का ऑलरेडी एक बैक स्लैश आ गया था। और कहा जाए तो एक ही टाइम पे आपको बहुत कुछ दिखाया और सिखाया जा रहा था और ये चीज हाइक के फेलियर का रीजन भी बनी क्योंकि इतने सारे फीचर्स पे फोकस करने के चक्कर में हाइक के पास अपनी कोई यूएसपी नहीं थी। हाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन गया यानी किसी भी एक चीज में अच्छा नहीं हो पाया। जैसे इंस्टाग्राम अपने फोटोज पोस्ट करने के फीचर्स के लिए हिट हुआ, व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हिट हुआ और ऐसे किसी भी पर्टिकुलर फीचर के लिए हाइक कभी हिट नहीं हुआ। हाइक ने एक्चुअली में चाइना के बिजनेस मॉडल को फिट करने की कोशिश करी थी। चाइना में काफी एडवांस्ड फोन्स थे, इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी अच्छा था और व्हाट्सएप जैसे कॉम्पिटिटर्स भी नहीं थे और इंडिया में देखा जाए तो ये मॉडल ऑलरेडी फ्लॉप हो गया क्योंकि इंडिया में फोन्स इतने पावरफुल नहीं थे कि इतने हैवी एप्स को सपोर्ट कर पाए जिसका डेटा यूसेज भी काफी हाई हो। हाइक एक सुपर ऐप बन तो गई लेकिन यूज करने वाले लोग ही नहीं थे इंडिया में। 2016 में जियो के लॉन्च के बाद काफी अफोर्डेबल फोन्स आने लगे और सारी ऐप ने अपने लाइट फीचर्स निकालना स्टार्ट किए। जैसे फेसबुक ने फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम लाइट, हाइक ने भी अपना लाइट फीचर निकाला लेकिन वो भी इतना ज्यादा हैवी था कि एक नॉर्मल एवरेज फोन उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। हाइक के स्टिकर्स उनके यूएसपी थे जो शायद हाइक को भी नहीं पता हो लेकिन टाइम के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी वो स्टिकर्स अपने में निकाल दिए और एंड में हाइक के पास अपना कोई स्पेशल फीचर नहीं रहा। देखा जाए तो टाइम के साथ उसका यूनिक फीचर भी कॉपी हो गया। अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए हाइक ने अपने काफी सारे प्रमोशनल प्रोग्राम्स चलाए। किसी एक चीज पे फोकस करने की जगह हाइक एक बड़ी सोशल मीडिया ऐप बनने की कोशिश करता रहा जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी एक्चुअली में नहीं हो पाई। धीरे धीरे बाकी एप्स के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो गई, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप अक्वायर कर लिया, अब पूरा कंट्रोल उसके अंडर आ गया और व्हाट्सएप पे नए फीचर्स देखने को मिले। वहीं हाइक के पास ऐसी कोई बैकिंग नहीं थी और जब बड़ी कंपनीज की बैकिंग हो जाती है तो इन्हें कॉम्पीट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हाइक के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि धीरे धीरे उसके यूजर बेस इंडिया में कम होता गया, लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप प्रेफर करने लगे क्योंकि वहां जैसे फीचर्स हाइक में मिसिंग थे और हाइक को यूज करना बाकियों जितना आसान नहीं था। इंडिया के यूजर बेस के अकॉर्डिंग हाइक काफी ज्यादा एडवांस था और इसके बहुत फ्रीक्वेंटली नए फीचर्स भी लॉन्च होते थे। कहने के लिए लोग जब तक एक फीचर से कंफर्टेबल होते थे तब तक एक नया फीचर आ जाता था और उन्हें वापस से वो सीरीज शुरू करनी पड़ती थी। इतने सारे फीचर्स और इतने सारे अपडेट्स को समझने के चक्कर में लोगों ने एंड में हाइक पे गिव अप ही कर दिया। ओरिजिनल हाइक तो बंद हो गया लेकिन उसके कुछ नए ऐप्स जैसे वाइब बाय हाइक और रश बाय हाइक हमारे को देखने मिल रहे हैं। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो दोनों ऐप्स हैं हाइक के, क्या ये हिट हो पाएंगे या हाइक की तरह चले ही जाएंगे? क्या आपने भी कभी हाइक को यूज किया है? अगर यूज किया है तो उसका कौन सा स्पेसिफिक फीचर एक ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता था?